आधारभूत विद्यालयमा छु। यो मतदान केन्द्र भनेको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको पनि मतदान केन्द्र यही हो। यहाँ हामी आइपुगेका छौँ। एकैछिन अब उहाँ मतदान आफ्नो मतको सदुपयोग गरेर बाहिर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको पर्खाइमा छु। उहाँ आएपछि उहाँसँग हामी उहाँको प्रतिक्रिया लिनेछु। यात्राक्रममा हरेक वार्डमा हरेक नगरपालिकामा पुग्नेछ। हामी सकभर हरेक वार्डको हरेक नगरपालिकाको कभरेज गर्नेछौँ। यहाँ स्थानीय नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग म प्रतिक्रिया लिनेछौँ। नमस्ते, के नाम है अपने? किनकर शाह। किनकर शाह मतदान केन्द्र अपने गौरवार्ड नंबर दू। गौर नंबर वार्ड में क्या लगा? अथी पहले बार चुनाव अथी भाग ले कि पहले भी रही? पहले बेर माधव नेपाल जी के एकीकृत समाजवादी पार्टी के नया पार्टी भेला से हम ओकर दबादार हम सपोर्टर छी। अच्छा, सपोर्टर थी, मतलब वोट गिरा भी वोट गिरा दिले अभी? अच्छा, लाइन में भरिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नाम सर? प्रमोद शाह। मतलब ये मतदान स्थानीय निकाय के दूसरा बार चुनाव हो रहा है कि ओमे पहली बार अपने वोट गिराबे छी कि दूसरे बार? केना केना आई अपने? तीन चार बेर गिरा देले छी। तीन चार बेर गिरा देले छी। हां, और बताओ यहाँ बूथ के व्यवस्थापन के कुछ कमी कमजोरी या कुछ कैसा नहीं किया? मतलब ठीक है, एकदम ठीक है? हां एकदम। तरीका घाम ला है तो अभी व्यवस्था होइत है। कोई व्यवस्था होइत है? लगा देते लागले आगे ले तीन पाल पर घेरला है, अभी घेरते ओकर बाद ठीक हो जाते। बिना कुछ बात नमस्ते। वोट गिरा ले बाकी बा अभी अभी बाकी बाकी तब क्या ना है क्या? मतलब व्यवस्थापन वगैरह के बात कर जाता? ठीक है, हैं ठीक है। पहले वैसे भी मतदान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल आदि वहाँसंग म प्रतिक्रिया लेने हमारे चुनाव के संदर्भ में। एक वहाँ को हम पर्खाई में छो। अब हम यहाँ गेटमा मेन गेटमा हाम्रो नेपालको नेपाल प्रहरी म्यादी प्रहरी पनि एकदमै तटस्थ हुनुहुन्छ सुरक्षाको लागि। यो मतदान शान्तिपूर्वक होस् भनेर यहाँ हाम्रो पुरै सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय पनि हुनुहुन्छ। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर कैसा लागल अभी अपने दोबारा इलेक्शन सहभागी भेल? बड़ा बड़ा निमन लागल। सबसे पहले फेर अपन गाँवमे अयली, वोट गिरैली स्थानीय तहके निर्वाचनमे, फेन जे है मताधिकार के प्रयोग कैली, निमन योग्य उम्मीदवार के हम वोट गिरैले छी। कौन पार्टी के वोट देलिए? हमर अपन पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एक समाजवादी कलम छाप वाला पार्टी। लोग सब के याद है कलम छाप कलम छाप कलम छाप। सर यहाँ चुनाव में कोनो संदेश है जनता के लिए कुछ विचार? अब जे जनता के ये संदेश है कि निमन पार्टी के वोट गिराओ, निमन पार्टी के वोट गिराओ, निमन उम्मीदवार के जिताओ और तब जाके अपन गांव के विकास हो सके छै, पालिका के विकास हो सके छै, वार्ड के विकास हो सके छै। निमन पार्टी के जितेबै तब 5 वर्ष तक ले पूरा सुखी जीवन कहो सेवा सुविधा मिलते है। यदि निमन आदमी के न जितेबै तब 5 वर्ष तक ले पूरा जे है परेशान हैरान परेशान, ओकर बाद जे है विकास निर्माण सब खत्म। रोहतहट जिला में कितना अथी पालिका में अपने के उम्मीदवार जीते के संभावना है? हम तो अखन तक ले मूल्यांकन तो न कैले छी, समीक्षा न कैले छी, लेकिन निमन है वातावरण सब जगह में। हम जहाँ जहाँ गेली जनता के उत्साह बहुत निमन है, निमन परिणाम आए वाला है। क्या कि हम सब तुलना करबे अंतिम चुनाव से या हमर पक्ष में जतेक लोग रहे वैसे कतेक गुना बेसी आदमी जे है अखनी आ रहा है वो हम सब मूल्यांकन कर रहा छी। गठबंधनों के स्थिति नीमन है आ सबसे बढ़िया हमरा सबके पार्टी के स्थिति है रोहतहट जिला में, एक एक समाजवादी के है कलम छाप के है। धन्यवाद अपने बहुत टाइम अपने अपन टाइम दिल। दर्शक हम पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो ग्राउन्ड जिरोको रियालिटी हाम्रो एउटा सौभाग्य हो कि पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग हामी भेट्न पाइरहेछौँ, कुराकानी गर्न पाइरहेछौँ। अन्तमा हामी आइसकेको छौँ, तपाईँलाई केही भन्नु छ भने कसरी छ? सर रौतहट जिल्लावासीलाई भन्न चाहन्छु, रौतहट जिल्लाको विकास चाहनुहुन्छ भने र रौतहट जिल्लालाई विकासको नमुना जिल्ला बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसका प्रत्येक पालिकाहरूमा यसका प्रत्येक वडाहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीका उम्मेदवारहरूलाई कलम छापका उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक ठुलो सङ्ख्यामा मतदान गरेर जिताउने काम गर्नुहोस्। हामी देशको जिल्लाको काया पलट गर्नका लागि प्रतिबद्ध छौँ, तपाईँहरूको सेवामा हामी सधैँ हाजिर हुनेछौँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन यो ग्राउन्ड जिरोको रियालिटी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य हामीलाई कमेन्ट र सुझाव गर्नुहोला। तबसम्मको लागि लभ यु, स्टे सेफ, जय नेपाल। थ्याङ्क यू।